देखिए इस गाने का जो है कहीं ना कहीं वो अपनी मदर से शायद सॉरी कह रहे किसी हैं, को नहीं बताई, आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं और मैं हाँ ये बात किसी से शेयर नहीं करा। अमली शायद चाहती थी वो नहीं करने के बजाय अपने अपना पैशन अपने को पैशन को फॉलो कर फॉलो रहे हैं, कर रहे हैं। पर शुरुआत बीट की करें ना तो भाई एक तो पीछे पियानो चल रहा है। तो क्या हाल चाल तकड़े हो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वी आर ज्वेल ब्रदर्स। आई एम प्रत्युष ज्वेल एंड दिस इज अक्षय ज्वेल एंड यू वाचिंग हिप हॉप रिएक्टर रेडियो। हे गाइस, व्हाट्स अप व्हाट्स अप व्हाट्स अप, क्या हाल चाल है आपके। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे एंड हिप हॉप रिएक्टर रेडियो के साथ जबरदस्त होंगे। हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए तड़कते फड़कते रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड आज गाइस हम दोबारा से अरुणाचल की तरफ चल रहे हैं, अपने नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। एंड वहां से हमने दोबारा से एक नया और बिल्कुल फ्रेश गाना उठाया गाइस। ये गाना अभी एक दिन पहले ही, एक या दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है और इसका नाम, गाने का जो नाम है वो है सॉरी मामा। एंड ये रिम्बू ने करा है, लिरिक्स रिम्बू के, मिक्स एंड मास्टर करा है ट्रैपैक्स ने, डीओपी है परम, एडिट कलर एंड एडिट और कलरिस्ट जो है वो प्रे फाइव है एंड प्रे गॉट मी एंड डायरेक्टेड बाय यतेंद्र मेघवाल। अच्छा तो गाइज ये तो जानकारी थी हमारे आर्टिस्ट और उनके गाने के बारे में, अब थोड़ी सी जानकारी भाई देंगे चैनल के बारे में। लेट्स गो। सो गाइस वी आर बैक वंस अगेन, सो नॉर्थ ईस्ट। पर भाई आज हम रेनबो का एक और नया ट्रैक लेके आपके सामने उपस्थित हुए हैं और ये ट्रैक एक दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है। होप आप हमारा रिएक्शन एंजॉय करेंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और गाइस हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स, हम सारे प्लेटफॉर्म्स पर हिप हॉप रिएक्टर रेडियो नाम से उपस्थित हैं, तो जाके हमें वहां भी फॉलो करिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे गाइस, तो चेक इट आउट गाइस। सो गाइस हमारे जितने भी हैंडल्स हैं प्लीज जाके उनको उनमें हमें फॉलो करिए, वहां पर भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट डाल रहे हैं। होप आपको अच्छा लगेगा, तो प्लीज गाइज वहां पे भी हमें सपोर्ट करिए, वहां पे हम लोग को आपका प्यार आशीर्वाद चाहिए जिससे वहां पे भी हमारी फैमिली ग्रो कर सकेगी। ओके गाइज, तो चलिए गाइज टाइम वेस्ट करे बिना अब चलते हैं सीधे गाने की तरफ और देखते हैं कि सॉरी मामा में रेनबो क्या कह रहे हैं। लेट्स गो, लेट्स रिएक्ट। रेनबो सॉरी मामा, दर्द मेहनत अब मेहनत क्या है, मैंने जाना अपने बाप से, दिल में है बहुत बातें करता नहीं कभी आपसे, सोच के नोच के बदल दे सारे रास्ते, पता नहीं क्या करना है साल रहे काटते। अब भाइयों ध्यान देना सारे मेरे बात पे, मेहनत रंग लाता है ना ढूंढो कभी हाथ पे, वक्त के साथ साथ हम बदल गए खास्ते, कुछ पल्ले अब भी आते खाते नहीं थे नाश्ते मजबूत। तो गाइज अब जैसे स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट में देखिए इस गाने का जो है कहीं ना कहीं वो अपनी मदर से शायद सॉरी कह रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। कह मेरे ख्याल से वो इसलिए रहे हैं, जितना मुझे हम लोग को महसूस हो रहा है वो शायद ये कारण है कि जो उनकी फैमिली शायद चाहती थी वो नहीं करने के बजाय अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं, और इस वजह से उसके वजह से जो शायद थोड़ी नाराजगी आती है फैमिली में या जो भी छोटे मोटे कारण हुए होंगे, माइट बी, आई एम नॉट श्योर कि यही रीजन हो, रीजन कुछ भी हो सकता है। और वो यही बोल रहे हैं कि यार, और कहीं ना कहीं अपने दर्शकों से भी बात कर रहे हैं कि यार मैंने कई टाइम से ये बात किसी को नहीं बताई, आज मैं वो बात बताने जा रहा हूं और मैं ये बात किसी से शेयर नहीं करा, मैंने इस तरह की बातें वो कर रहे हैं और स्ट्रगल की बात कर रहे हैं अपने। और हो सकता है माँ से कुछ कभी हो ही जाती है, माँ बेटे में लड़ाई कभी कुछ हुआ हो, कुछ कहा हो, तो उसके लिए ये ट्रैक शायद उन्होंने लिखा है लिखा जिसमें है, वो एक तरह का अपोलोजाइज कर रहे हैं सॉरी मामा कह के। और वो ये भी बता रहे हैं कि गाइस जो मेहनत मैं करता हूँ वो मैंने सीखी अपने फादर से कि कैसे मेहनत करी जाती है, बहुत तरह की प्रॉब्लम आई, फिर उन्होंने यही बातों को थोड़ा ना लिरिकली कहा है कि सोचते नोचते ऐसे करके उन्होंने इस चीज को रेफरेंस दिया है और फिर इस तरह से इम्प्रोवाइज करते हुए उन्होंने अपनी बातों को कहा है। तो कहीं ना कहीं वो पूरे लिरिक्स में अपना हसल बता रहे हैं कि कैसे कैसे, उन्होंने ये भी कहीं ना कहीं वो दर्शा रहे हैं कि भाई मैंने गलत रास्तों को चुनने के बजाय सही रास्तों को चुना, मेहनत करा, अपने आप को घिस रहा हूं मैं, हर दिन घिस रहा हूं जिससे मैं अपने सपनों को पा सकूं। तो अभी उन्होंने इस तरीके से स्टार्ट करा है और अपनी पूरी हसल बता रहे हैं। अगर शुरुआत बीट की करें ना तो भाई एक तो पीछे पियानो चल रहा है और ऊपर से एकदम से बीट टन 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 करके आती है और फिर रेनबो एकदम से रैप करना शुरू करते हैं, वो बड़ा मतलब स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी हुई है। और फिर उसके बाद वो ये बात भी कह रहे हैं कहीं ना कहीं आपकी मजबूरियां आपकी वो आपको चीजें सिखा देती है कि आप जब कैसे आपने वो करना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों होता ही है, अगर आपको अपने सपनों को पाना है तो आपको कई बार बहुत चीजों से
लड़ना पड़ेगा और फिर आप उस चीज को पा पाओगे। सही बात है। और सपना इजीली कभी मिलता ही नहीं, मिलता नहीं है। और आपकी अपने से तो लड़ाई होती है, आपके आसपास के लोगों से भी काफी तरह का आपको अपोज मिलता है, काफी तरह की नेगेटिविटी मिलती है, उससे आपको लड़ना होता है, तब जाके आप कहीं अपने उसमें सक्सेस करते हो। क्योंकि आपको तभी सही माना जाएगा जिस दिन आप अपने आप को प्रूफ कर दो। ठीक है, तो चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं। फासले जो रियल थे बस वही रह गए मेरे पास में, और ऐसी कहीं बातें आज भी यहाँ रास रखते, पलों को याद करके खाली हम एहसास करते, पन्नों को भर के तभी हम लंबी सांस लेते, और सॉरी मामा पिछली गलती के लिए उससे भरूंगा मैं खुद, ये मैंने कहा खुद से, फिर मैं लगा चुरने उन सब चीजों को मैं जो टूटा हुआ है, परा मेरे सामने में काम नहीं है, बोलने वालों में तो दम नहीं है, कम नहीं है मुझे जब चेहरे पे उनके थूक दूं, मैं लेके चार करके बार जख्म गहरे तेरे फूंक दूं मैं, अबे नॉर्थ ईस्ट का खून नू मैं, बीट पे मैं बूम दूं मैं, ये रातें कट जाती है बीट पे और नींद भी नहीं आती जब आते हो जीत की, अब यही रैप ब्रीथ को लेके चले बस मेरा नीट है, और गम बुलाने के लिए मेरा वीट है, ज्यादा चीजें करने का नहीं बंदा, यही कह रहा हूं ना, देख बंदा वहां पर रुका और फिर एकदम से स्टार्ट किया, और पॉज जो लिया पॉज बहुत प्यारा था, और एक जगह पे तूने देखा ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर पॉज लेंगे, पर वो ट्रैक वो वर्ड्स पे वो लाइन चलती चली जा रही है, पूरे दो लाइन का बार, दो तीन लाइन का बार लिखा हुआ है, वो एक ही सांस में बोल रहे हैं, कई बार ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर रुकेंगे पॉज लेंगे, पर वो पूरा चलता ही चला जा रहा है, लंबा खींच दिया उन्होंने, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो असल बंदे थे वो मेरे साथ थे और बाकी जो थे वो चले गए छोड़ के, और इस तरह की बातें बोल रहे हैं, इस तरह की चीजें वो बता रहे हैं, फिर वो बता रहे हैं कि जो फालतू लोग हैं उनके तो मैं मुंह पे थूक देता हूं, मुझे कोई मतलब नहीं, जहां मुझे टेंशन है उसके लिए मेरे पास वीड है, मैं उससे चिल करता हूं, मैं अपनी लाइफस्टाइल को जी रहा हूं और मैं मेहनत करता जा रहा हूं, एट द एंड ऑफ द डे यार वो पूरा अपना हसल ही बता रहे हैं, हसल बता रहे हैं, और फिर वही जैसा हम शुरुआत में बात कर ही रहे थे कि सॉरी मामा कि शायद मैंने कुछ गलत बोल कुछ दिया, गलत कर दिया, जो गलती उनसे हुई है उस बारे में माफी मांग रहे हैं, माफी मांग रहे हैं, और अपना पार्ट भी कहीं ना कहीं वो दिखा रहे हैं कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मेरे को ये करना है, और एक पॉजिटिव वे में वो उन्होंने पूरी चीज को रिप्रेजेंट करा है, वो कहीं भी अपने फादर मदर को गलत नहीं कह रहे, पर वो ये कह रहे हैं कि उनका जो प्रोस्पेक्टिव है या वो अपने बारे में जो चीजें बताना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। I think अगर वीडियो के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वीडियो ना शायद इन्होंने अपने आसपास अपने अपने इलाके में शूट कर रहा है, काफी अच्छी लग रही है, उधर है यार खूबसूरत, नॉर्थ ईस्ट तो पूरा ही खूबसूरत है, अरुणाचल प्रदेश अपनी जगह पे इन्होंने शूट किया होगा, तो बढ़िया वीडियो बना रखा है, बहुत सही बहुत अच्छा वो करा हुआ है गाइस, और फ्लो बहुत अच्छा है, बीच में जो बिल्कुल एक बड़ा बार लेके आए हैं तो उसमें फ्लो अपने आप ही चेंज हो गया, क्योंकि आपको एक बारी में बोलना है वो उन्होंने बोला है, फिर उसके बाद उन्होंने शब्दों को जो शब्दों के साथ जो कनेक्टिविटी दिखाई है ना वो बहुत बढ़िया दिखा रखी है, ठीक है, जैसे पॉजेस बहुत अच्छे ले रखे हैं, जहाँ पे ड्रॉप आ रही है बीच वहाँ पे पॉज करा फिर दोबारा से उठाया स्टार्ट करा है, तो वही खींच के सींच के, और वो बहुत कई जगह पे बहुत अच्छे शब्दों को जोड़ा गया है, लिरिसिज्म अच्छा है, लिरिसिज्म बहुत अच्छा है और राइमिंग्स बहुत अच्छे कर रहे हैं, राइमिंग स्कीम्स भी बहुत अच्छी ले रखी है, और इस गाने में ना उन्होंने कहीं शायद हुक नहीं रखा हुआ, वो सीधे वर्ड्स कर रहे हैं, और एक बात बहुत सही है, शुरुआत में आपको लग सकता है कि आपका इनका वर्ड्स बहुत सिंपल है, पर बीच में जो वो लंबे वर्ड्स मार रहे हैं फिर इनकी टेक्निकलिटी दिख रही है कि लेवल बढ़ता जा रहा है, वहां पर इनकी टेक्निकल स्किल्स दिख रहे हैं, पॉज लेके एकदम से शुरुआत कर रहे हैं, वो बढ़िया मतलब एक मंझे हुए कलाकार के तरह दिख रहे हैं। और गाइस ये गाने से पहले ना इनका अगर आपने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा होगा रिम्बू का, तो ये गाना इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में एज अ रील स्प्लिट करा हुआ है, स्प्लिट करा हुआ थोड़ा सा पार्ट उसका, उसका कुछ पार्ट इन्होंने एक वर्स पता नहीं कितना स्प्लिट करा, मैंने पूरा नहीं देखा है वो वीडियो, पर मैं जितना देखा तो ये कर चुके, तो शायद अब इन्होंने उसी पे एक पूरा गाना क्रिएट कर दिया। चलिए गाइस फिर आगे रिएक्ट करते हैं, एकदम ठीक है, उम्र कुछ ज्यादा नहीं पर हाइट 5 feet है, अब मेरे सारे दर्द गायब, जो बोल देते दवा हूं मैं तेरा, कोई दर्द शायद मैंने काफी कुछ झेला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, रैप करता हूँ मैं तो कहते संतुलन हिला, इन कीचड़ों के बीच प्रभु का मैं खिला, मैंने काफी कुछ झेला, 24 वाले फ्लो ये ना ड्रामा है ना शो, जैसा होता गया ग्रो, मेरा माइंड हुआ स्लो, मेरा माइंड हुआ स्लो, अब जितने भी है गम आज मैं लिखता हूँ मैं पन्नों पे, साथ रहूं आपके साथ ये काफी नहीं है जन्मों में, बचपन से नहीं मिला, माथे पे से लाने वाले खुद से ही, साफ सफाई जब बाप थे नहलाने वाले, चम्मच से ही खाता हूँ जब बाप थे खिलाने, मेहनत से करीता हूँ जब आप थे दिलाने वाले, आई साल भर दूर फिर बातें फोन पे, हंसता कभी कभी आज भी वो रोते हैं, ऐसा कौन सा है दर्द आपको खाए अंदर से, हाँ तकलीफें बताओ आपका बेटा अभी जिंदा है, हाँ माँ तकलीफ
यार यही है ना, देखो कई लाइंस बीच में बहुत ही अच्छी बोली है कि प्रभु की कृपा से फूल खिला है, कीचड़ में फूल खिला है, तो और वो है 5 फीट हाइट है उसके बारे में बता रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में तो फूल खिल ही चुका है, फूल खिल ही गया वहां का वैसे भी। तो वही वो बता रहे कि कमल खिला कीचड़ से, मतलब बता रहे कि मैं जिस जगह पे हूँ वहां पे मैंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करी, तो उन्होंने कमल का रेफरेंस दिया, लोटस का। और वही वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है अगर आप मुझे चम्मच से खिलाओगे तो मैं चम्मच से भी खा लूंगा, इस तरह की बात कर रहे हैं। और भाई बहुत कम समय में ना एकदम से इनका अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है, इनका कल्ट फॉलोइंग बहुत अच्छा है, हमारे भी जो टॉप व्यूज वीडियोस हैं वो इनके ही हैं सारे, बिल्कुल सोनू लैम और इनके, बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत तो अच्छा फॉलोइंग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी फॉलोइंग है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि उसका कारण है कि काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अगर दोबारा वापस आए गाइस लिरिक्स की तरफ, तो इन्होंने एक बात और बहुत अच्छी कही है कि अपनी मदर को कह रहे हैं कि अभी आपका बेटा जिंदा है, जिंदा है, तो अगर कोई दिक्कत है कोई परेशानी है तो प्लीज मुझसे शेयर करो, सही बात, और मैं उसका हल निकालूंगा। तो वो एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात कर रहे हो, मतलब अपने लिरिक्स में अपनी जिम्मेदारियों को भी समझ रहे हो, वही लिरिक्स पूरी के पूरे ऊपर से नीचे अगर आप देखें तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से लग रहा है कि हाँ बंदा बहुत रिस्पॉन्सिबल है, अपने पेरेंट्स की बात कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रहा है, और लिरिक्स को लिखा भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज है कि ना ही पेरेंट्स को हर्ट हो ना ही सुनने वालों को कोई चीज गलत लगे, तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा गया, पेरेंट्स को किसी तरीके से डिमोनाइज या नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे अपनी गलतियों को भी मान रहे हैं और कहीं ना कहीं बता भी रहे हैं कि अगर आपको कोई, यार मैं ऐसे सोचता हूँ कि मतलब हाँ, ये बता रहे हैं कि मैं ऐसा सोचता हूं और ऐसा ये करना चाहता हूं, आप भी मेरा पर्सपेक्टिव समझो, समझो वही वही वही। चलिए गाइस आगे रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा बचा है। फिर बताओ आपका बेटा अभी जिंदा है, मेरे दादी कहा करते थे घर का तुम हो बनो ना है घर का बोझ बनो, मेरे वालिद भी है इतने टेंशन, चेहरा उतरा हुआ माथे पे डिप्रेशन, पराई सिर्फ कुछ नहीं उससे अच्छा भी सोल्यूशन, मैंने कहा सबको ना माना किसी ने, फिर मैं लगा किसी ने खुद को ऐसे रास्तों पे, अब मेहनत कर रहा आज फल मिलेगा कल, रुकना नहीं रास्तों पे बस तू आगे चल, रुकना नहीं रास्तों पे बस तू आगे चल, वर्ड्स खत्म। तो गाइस इसमें हुक नहीं है, सिर्फ एक वर्ड है, उस पे वीडियो बना। तो अब वो आगे यही कह रहे गाइस कि मेरी दादी जो कहती थी कि आप घर का होप बनो ना ही बोझ बनो, और मेरे पिताजी के माथे पे ही डिप्रेशन दिखता है क्योंकि वो परेशान है, क्योंकि शायद वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, और वो पढ़ाई या जितनी भी उन्होंने करी है उसके बाद अब वो मतलब रैप वर्ल्ड की तरफ आ चुके हैं, और वो वहां पे तो उनको शायद वो टेंशन है कि भाई तुमने पढ़ाई नहीं करी है और इस चीजों को वही है, पेरेंट्स को कई चीजें समझ में नहीं आती हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि भाई बंदा फट रहा है इंटरनेट पे, लोग देख रहे हैं, पॉपुलर हो रहा है, वो चीज उनके समझ में, काम मिल रहा है, तो वो चीजें अभी समझ में नहीं आ रही, पर धीरे धीरे आएंगे वो रियलाइज होंगे। तो फिर वो यही समझा रहा है कि सिर्फ पढ़ने से ही कुछ नहीं होता, चीजें और भी हैं पढ़ाई के अलावा जो आप वो कर रहे हो। तो गाइस पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पर सबकी सिचुएशंस अलग होती हैं, सो हम नहीं जान सकते जब तक हम किसी के शूज में नहीं आएंगे ना, तब तक हमें पता नहीं होता कि सिचुएशन क्या है, राइट। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर उनका जो साइड है, पर्सपेक्टिव है, हम वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि मैं जिस चीज से हूँ मैं उस चीज से भी काफी कुछ अचीव कर लूंगा, और उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ाई करके ही आप आगे जा सकते हो, और देर आर सम अदर वेज, पूरा अगर आप शुरू से आखिरी तक देखो ना तो अपने लाइफ की हार्डशिप जाए सोसाइटी की नेगेटिविटी हो हसल हो, बड़े पॉजिटिव तरीके से पोर्ट्रे करा, बहुत पॉजिटिव तरीके बहुत अच्छे से लिखा है गाइस, और एक वर्ड्स है, पूरा एक वर्ड्स लिखा है उन्होंने, और इसीलिए शायद इन्होंने वहां पे भी पूरा एक वर्ड्स ही मारा था रील्स में भी, अब उन्होंने उसका वीडियो बना दिया, तो बहुत अच्छे से करा है गाइस, एक बहुत अच्छी जानकारी, एक बहुत प्यारा सा इन्होंने ये ट्रैक निकाला। तो गाइस आप जाइए रेमबू का बिल्कुल लेटेस्ट ट्रैक है, आप इसे जाके एक बार DHH पे है, हाँ DHH पे है ये, DHH जो चैनल का नाम है उस पे है ये, एंड आप जाइए और उनके इस वीडियो को एंजॉय करिए, इस गाने को एंजॉय करिए, और उनकी फील को समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, और इसका रिएक्शन आपको मिलेगा सिर्फ हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइस हमारा रिएक्शन भी एंजॉय करिए, बताइए आपको कैसा लगा, और आपको इस पूरे वर्स में कौन सी ऐसी लाइन है जो अच्छी लगी, तो प्लीज हमसे शेयर करिए, और हम फिर वापस आएंगे गाइस एक बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।